सिद्धांत महोदय दी, परम पूज्य आचार्य श्री प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब की आज्ञा से हमारे उपकारी गुरु मैया उस समय के मुनिराज श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब का संवत 2020-21 का चातुर्मास अहमदाबाद के शांतिनगर संघ में निश्चित हुआ। चातुर्मास के दौरान पूज्य गुरुदेव श्री की प्रवचन धारा चल रही थी। हजारों युवानों प्रवचन धारा में स्नान करके अपना जीवन परिवर्तन कर रहे थे। चातुर्मास के दौरान पूज्य गुरुदेव श्री को पता चला कि शांतिनगर संघ का उपाश्रय देवद्रव्य के पैसे से बना हुआ है। देवद्रव्य के पैसे तो जिन मंदिर आदि के लिए है उनमें से उपाश्रय कैसे बन सकता है? जब तक यह पैसे देवद्रव्य में वापस जमा न हो तब तक उसका कर्जा संघ पे रहेगा। देवद्रव्य का कर्जा रखना वो तो भयानक पाप है। ऐसे महान संघ को देवद्रव्य के कर्जे में से कैसे भी करके बाहर निकलना ही होगा। इसके लिए जो भी करना पड़े वो करके भी संघ को इस महापाप से उगारना ही होगा। गुरुदेव श्री को जैसे ही पता चला कि दूसरे ही दिन से प्रवचन में देवद्रव्य क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका दूसरे स्थान पे उपयोग करने से कैसे भयानक कर्म बंद होते हैं, उनके विपाक कैसे मिलते हैं, यह सभी बातें शास्त्रों के दृष्टांत से लॉजिक से बताने पर संघ को भी अपने गलती का एहसास हुआ। देवद्रव्य में से संघ को बाहर निकालने के लिए गुरुदेव श्री ने कड़ी मेहनत की। भगवान प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब की कृपा एवं अपने प्रचंड पुण्य से गुरुदेव श्री ने शांतिनगर संघ को देवद्रव्य के कर्जे में से मुक्त करवा दिया। गुरुदेव श्री ने जब ऐसा विशिष्ट कार्य किया तब उनकी उम्र 31 साल और दीक्षा पर्याय केवल सिर्फ 13 साल का था। शांतिनगर संघ देवद्रव्य के कर्जे में से मुक्त होते ही आनंद से झूमने लगा। उनके हृदय में गुरुदेव श्री के प्रति अहोभाव की वर्षा बरसने लगी। ये तो कैसे महान गुरुदेव, इतनी छोटी उम्र में इतने छोटे दीक्षा पर्याय में भी कितना विशिष्ट कार्य उन्होंने कर दिखाया। ऐसे उपकारी गुरुदेव के ऋण में से तो हम मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन उनके प्रति कृतज्ञता से हमें कुछ तो करना ही चाहिए। लेकिन ये तो सदा निष्प्रह शिरोमणि अनासक्त योगी परोपकारी है, वो तो अपने लिए कुछ भी लेने वाले नहीं है, लेकिन उनके दर्शन वंदन प्रतिदिन मिलते रहे, उनके उपकार प्रतिदिन हमें याद आते रहे, ऐसा सोच के शांतिनगर संघ के आगेवानों ने पूज्य गुरुदेव श्री का फोटो उपाश्रय में रखने का निर्णय किया। गुरुदेव श्री को जब यह बात पता चली तो गुरुदेव श्री को बहुत दुख हुआ। उन्होंने शांतिनगर संघ के आगेवानों को बुलाकर स्पष्ट शब्द में कह दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मेरा फोटो क्यों? यह पूरा चंदा इकट्ठा हुआ उसमें मैं तो सिर्फ निमित्त बना हूँ। कार्य तो 25वें तीर्थंकर श्री संघ के पुण्य से हुआ है। शांतिनगर संघ के आगेवानों ने अपने ऋण मुक्ति के लिए उपाश्रय में फोटो रखने के लिए बहुत आग्रह भरी विनंती करने पर भी निष्प्रूह शिरोमणि पूज्य गुरुदेव श्री ने साफ इनकार कर दिया। सिद्धि प्राप्त होने पर भी प्रसिद्धि से दूर रहने वाले थे गुरुदेव। अपने जीवन काल में कभी फोटो तो नहीं रखने देते थे, किंतु फोटो लेने भी नहीं देते थे। उनको पता चले कि कोई फोटो ले रहा है तो तुरंत ही बीच में कपड़ा आदि रख देते थे। एक बार एक गुरु भक्त ने गुरुदेव श्री के एक फोटो कहाँ से प्राप्त कर लिया और उनकी ज़्यादा नकल करवाकर सभी को बांटने की उनकी भावना थी। गुरुदेव श्री को यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत सभी फोटो मंगवाए और उनके ऊपर पेन की शाही डाल के सभी फोटो कैंसिल करवा दिए। यह थे हमारे सदा निष्प्रूही गुरुराज। प्रसिद्धि से लाख योजन दूर रहने वाले थे हमारे गुरुराज। प्रचंड पुण्य के स्वामी होने के बावजूद भी नम्रता मूर्ति थे हमारे गुरुराज। ऐसे निष्प्रूह शिरोमणि नम्रता मूर्ति सरल स्वभावी गुरु मैया चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। शासन पुरुष गुरुदेव पन्याश्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब की ऐसी नहीं जानी हुई अनजानी हुई बातें हर शुद्धि दशमी के दिन जानने के लिए आप आज ही आत्मशुद्धि परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट शासन पुरुष 8 ज्येष्ठ शुद्धि दशम 20 जून 2021 रविवार के दिन। वंदे शासन पुरुषम वंदे जिन शासनम वंदे शासन पुरुषम वंदे जिन शासनम।